हमारे टेलीग्राम पर एक प्रश्न किया हुआ है। आशीष शर्मा जी हैं और इन्होंने अपना स्थान नहीं लिखा है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप जो भी प्रश्न करें तो उसमें अपना वर्ण और स्थान आदि और अपना नाम स्पष्ट रूप से अवश्य लिखें। इनका प्रश्न है, क्या संध्या में प्रयोग होने वाली मुद्राओं के बारे में जानकारी मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है, कई जगह जानकारी है। इनका कहने का तात्पर्य यह है कि संध्या में जो मुद्राएं प्रयुक्त होती हैं वे कैसी बनाई जाती हैं, उनको कैसे प्रदर्शन किया जाता है तथा उनकी संख्याएं कितनी हैं, आदि में और अंत में जो मुद्राओं का विवरण शास्त्रों में है वो कैसे प्रदर्शन की जाती हैं, तथा ये जो मुद्राएं हैं ये मुद्राएं जिस प्रकार हमारे यहाँ वेदों की 1131 शाखाएं हैं और उनके गृह सूत्र, श्रौत सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्भ सूत्र आदि भी पृथक पृथक हैं, इस दृष्टि से हर वेद की हर शाखा की संध्या में भिन्नता है, कुछ अलग अलग है, तो क्या मुद्राएं भी हर शाखा की अलग अलग होंगी या यही मुद्राएं होंगी? ये इनका प्रश्न है, इसका समाधान देखें। पहली बात तो यह है कि ये जो संध्योपासना में मुद्राएं हैं ये किसी भी वेद की, किसी भी गृह सूत्र की संध्या की व्याख्या में, संध्या के जो सूत्र हैं वहाँ नहीं है। वैदिकी संध्या, स्मार्ति संध्या, तांत्रिकी संध्या, पौराणिकी संध्या, कई प्रकार की संध्याएं होती हैं तो उनका विधान है अलग अलग। तो हम लोगों के जो वैदिकी संध्याएं हैं उसमें ये मुद्राएं नहीं हैं। मुद्राएं और न्यास मुख्य रूप से तंत्र ग्रंथों का विषय है, आगमोक्त हैं ये, ऐसा हमारी संध्योपासना के भाष्य में आचार्यों ने बतलाया है। पुराणों में भी न्यास और मुद्राओं की चर्चा है, तो ये जो मुद्राएं हैं ये पुराणों से और आगमों से हमें प्राप्त होती हैं, शाखाओं में नहीं हैं। इस दृष्टि से ये सर्वशाखीय हैं, इन मुद्राओं को सभी के लिए प्रशस्त किया हुआ है, इसीलिए नित्य संध्या में आवश्यक नहीं है। मुद्राओं को और न्यासों को यदि किया जाता है तो अतिशय है, और ज्यादा श्रेष्ठ है, जितना ज्यादा करेंगे और अतिशयाधान होगा, पर यदि नहीं किया करते हैं तो कोई उसमें त्रुटि वाली बात नहीं है। ये मुद्राएं जो संध्योपासना में हैं वे श्रीमद् देवी भागवत के 11 स्कंद के 16वें अध्याय में 99, 100 और 101 श्लोक में बतलाई गई हैं। ये 24 मुद्राएं हैं। इन 24 मुद्राओं का होना गायत्री मंत्र के ये 24 अक्षर हैं वो एक एक अक्षर के प्रतीक हैं, और बाद में भी जपांत में अष्ट मुद्राओं का प्रदर्शन होता है, वे अष्ट मुद्रा हैं एक पाद में। जैसे त्रिपदा गायत्री है तो इस त्रिपदा गायत्री के प्रत्येक पाद में 8-8 अक्षर होते हैं, इसलिए बाद में 8 मुद्राओं का प्रदर्शन होता है। तो पहली मुद्राएं कौन सी हैं देखें आप, सुमुखम संपुटम विततम विस्तृतम द्विमुखम त्रिमुखम चतुर्मुखम
पंचमुखम षडमुखम अधोमुखम व्यापकांजलि व्यापकांजलिम शकटम शकटम यमपाशम ग्रथितम उन्मुखोन्मुखम प्रलंबम मुष्टिकम मत्स्यः कूर्मः वराहकम सिंहाक्रांतम महाक्रांतम मुदगरम पल्लवम। एताः चतुर्विंशति मुद्राः जपादौ प्रकीर्तिताः। ये जो है 24 मुद्राएं हैं। एता मुद्रास चतुर्विंशत जपादौ प्रकीर्तिताः, जप के आदि में इनका प्रदर्शन किया जाता है। इसके बाद अपनी यथा संख्या में जप किया जाए और जप के बाद फिर जो है अष्ट मुद्राओं का प्रदर्शन होता है। बाद की 8 मुद्राओं का विवरण इस प्रकार है, सुरभिः, ऐसे नीचे को करके, सुरभिः ज्ञान ज्ञानम वैराग्यम योनिः शंखः पंकजम लिंगम और निर्वाण मुद्राश्च जपान्तेष्टौ प्रदर्शयेत्। ये जो श्रीमद् देवी भागवत के एकादश स्कंद के 17वें अध्याय में 18वें और 19वें श्लोक में बाद की जो 8 मुद्राएं बताई गई हैं उसमें 2 मुद्राओं में भेद है। वहां बतलाया गया है कि शंख मुद्रा और वैराग्य मुद्रा, इनकी जगह पर कूर्म मुद्रा और शूर्प मुद्रा। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत में सुरभिर ज्ञान शूर्पंच कूर्मो योनिश्च पंकजम लिंगम निर्वाण कंचैव जपान्तेष्टौ प्रदर्शये। ये श्रीमद् देवी भागवत में भगवान वेदव्यास की उक्ति है। तो यहाँ शूर्प मुद्रा और कूर्म मुद्रा का विवरण है। तो इस तरीके से पाठ भेद भी हैं और भी अन्य मुद्राएं भी हैं। मुद्रा का मतलब क्या होता है, ये मुद्राएं क्यों दिखाई जाती हैं, इस बात पर भी आप लगे हाथ चर्चा कर ले, श्रवण करें। मुदम प्रसन्नताम रात ददातीति मुद्रा। मुद्रा की व्युत्पत्ति करते हुए कहते हैं जो प्रसन्नता प्रदान करे। तो इस प्रकार की जो मुद्राएं देवता को या देवी को जो प्रदर्शित की जाती हैं तो इससे वो देवता प्रसन्न होता है। मुदम प्रसन्नताम रात ददातीति मुद्रा, वो जो है प्रसन्नता प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार तंत्र शास्त्रों में बहुत मुद्राओं का विवरण है। प्रातस्मरणीय धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पात्री जी महाराज के ग्रंथों में लिखा हुआ है, पूज्य गुरुदेव ने पढ़ाया है कि उनका कहना है कि ये जो उपचारमयी पूजा है, षोडशोपचार धूप दीप आदि जो नैवेद्य ये हम भोग लगाते हैं, ये उपचार देवता को समर्पित करते हैं, ये सब तांत्रिक है, वैदिकी पूजा में ये नहीं है, ये सब तंत्र से आया हुआ है। तो तांत्रिकी पद्धति वो आजकल जो है स्मार्त पद्धति, वैदिकी पद्धति, पौराणिक और आगमोक्त पांचरात्र इत्यादि मिला करके मिश्र पद्धति बनाई है, मिश्र पद्धति है। तो इसमें ये जो न्यास आदि मुद्रा उपचार समर्पण ये सब तांत्रिक प्रयोग है। बहुत से लोग तंत्र का अर्थ ऐसा समझ जाते हैं कि वो अभिचार षडभिचार जो हैं वो ही भरे हुए हैं मन में लोगों के, अरे ऐसा नहीं है। तंत्र का मुख्य लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति,
भगवत प्राप्ति। तो तंत्र कोई ऐसा नहीं है, इसलिए इन मुद्राओं को संध्या में अगर कोई जोड़ता है तो अवश्य ही करना चाहिए। और यहाँ तक है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, यद्यपि नित्य संध्या में परमावश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी अभ्यासार्थ और अतिशयाधान के लिए ये चतुर्विंशति मुद्रा और अष्ट मुद्राओं का प्रदर्शन अवश्य ही संध्या में करना चाहिए। हर हर महादेव।